जिसमें कुछ पॉइंट पे ईएमएक्स, अगर ईएमएफ के बेस पे लूं दैट दिस विल बी ईएमएक्स एंड दिस विल बी ई मिनिमम, है ना। अगर ईएमएफ के बेस पे बात करूं, सिमिलरली अगर करंट के बेस पे बात करूं, सो दिस विल बी आई मैक्स एंड दिस विल बी आई मिनिमम। सो हम देख रहे हैं कि साइनसोइडल क्वांटिटी, हम इसकी अगर वैल्यू किसी न्यूमेरिकल में लेना चाहे, न्यूमेरिकल अगर करें, सो हम कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे सकते, है ना, कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू है, सो हमें टाइम पता करना पड़ता है। सो फॉर न्यूमेरिकल पर्पस या जनरल पर्पस में हमें इजी रहे, इसलिए होता क्या है, हम इनकी एवरेज वैल्यू निकाला करते हैं। क्या निकाला करते हैं? एवरेज वैल्यू निकाला करते हैं, ठीक है। सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। अल्टरनेटिंग ईएमएफ को जनरेट कैसे करा जाए। सपोज ये मेरा नॉर्थ पोल है एंड ये मेरा साउथ पोल है। हमने देखा है कि मोटर में बड़ी सारी कॉइल्स लगी होती है और वो ईएमएफ जनरेट करती है, वोल्टेज जनरेट करती है। सिमिलरली मैं इधर एक कॉइल लेके चल रहा हूं, एक कॉइल लेके चलता हूं, ये कॉइल आगे ब्रशेस से जुड़ी है, मोटर के आगे ब्रशेस से जुड़ी होती है। सो ये ब्रशेस से जुड़ी है लाइट बी वन एंड बी टू। इस कॉइल के ए बी सी डी की डायरेक्शन देखता हूं, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एन नंबर ऑफ कॉइल्स है, एन नंबर ऑफ कॉइल्स है, एंड ये कॉइल मूव किस स्पीड में कर रही है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है दैट इज माय ओमेगा, एंड इस कॉइल की फ्लक्स लिंकेज दैट इज माय फाई, ठीक है। लेट सपोज ये भी हॉरिजॉन्टली है एक्स एक्सिस के, एंड इस पोजिशन पे फ्लक्स लिंकेज सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। एंड इसने कुछ टाइम बाद रोटेट किया, विद कुछ टाइम रोटेट किया, लेट दैट टाइम बी टी, जिस टाइम पे इसने रोटेट किया, वेलोसिटी कितनी है ओमेगा। अगर मैं 10 की स्पीड पे 5 मिनट चलूंगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर लूंगा, 5 × 10। सो सिमिलरली ओमेगा टी, इसने डिस्टेंस कवर किया, इतना ये रोटेट करी, सो उतना मैं इसको, इस सर्कल को, ये दिख रहा होगा ये पाइप को, इतना मैं अब इसको रोटेट कर रहा हूं, रोटेट मैं रेड मार्कर से कर देता हूं। सो मैंने इसको इतना कर रोटेट कर दिया, एंड ये एंगल जो है दिस बी ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है। अगर ये एंगल ओमेगा टी है, सो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, एंड दिस इज आल्सो ओमेगा टी। सो ये क्या हुआ, ये डायरेक्शन कितनी हुई, ये फ्लक्स लिंकेज क्या हुआ, कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना। तो इस समय एट टाइम टी, एट एम टी फ्लक्स लिंकेज कितनी होगी, कॉस ओमेगा टी, ठीक है, कॉस ओमेगा टी मेरी फ्लक्स लिंकेज होगी। अब मेरे को क्या जनरेट करना है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, है ना, ईएमएफ जनरेट करना है। 12th से पढ़ते आ रहे फॉर्मूला माइनस डी फाइव बाय डी टी, फॉर एन नंबर ऑफ कॉइल, ये वन कॉइल के लिए, फॉर एन नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए जनरेट करना है। सो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाय डी टी, डी फाइव बाय डी टी, यहां फाइव भी आएगा कि फाई इसका बेसिक था, एंड कॉस ओमेगा टी आगे एंगल बना गया, सो फाई कॉस ओमेगा टी। सो ईएमएफ जनरेशन इज यार माइनस एन डी बाय डी टी फाई कॉस ओमेगा टी, ठीक है, फाई कांस्टेंट है बाहर निकाल ले, माइनस एन फाई डी बाय डी टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी, सो एन फाई साइन ओमेगा टी, दिस इज माय ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है, ये होगी मेरी अल्टरनेटिंग ईएमएफ। सो इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बाद अब मैं साइन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे इस ईएमएफ को चेक करूंगा, ठीक है, साइन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे इस ईएमएफ को चेक करूंगा। सो हमें इतना पता है कि साइन का फंक्शन कुछ ऐसे जाता है, ठीक है, पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू, टू पाई। सो साइन पाई बाय टू पे साइन की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, सो ईएमएफ की भी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी,
एट 3 पाई बाय 2% की वैल्यू अगर मिनिमम है तो ईएमएफ की वैल्यू भी सबसे मिनिमम इस पोजीशन पे होगी, और जिस पोजीशन पे साइन की वैल्यू जीरो है दैट इज पाई, उस पे ईएमएफ की वैल्यू भी जीरो होगी, है ना। सो उस पे ईएमएफ की वैल्यू भी जीरो होगी, तो मतलब ओमेगा टी दैट इज साइन, ओमेगा टी की वैल्यू अगर मैं पाई बाय 2 रखता हूं तो ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी दैट इज एन फाई, अगर पाई रखता हूं तो जीरो, एंड अगर 3 पाई बाय 2 रखता हूं सो माइनस एन फाई हो। आई होप सबको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ है क्या, अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट कैसे होता है। सो आई होप सबको प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं फेजर रिप्रेजेंटेशन, क्या ना कि फेजर रिप्रेजेंटेशन है क्या, है ना, कि क्या हम कैसे काम करेंगे। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये लाइट है मार्कर, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन ये कहता है, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फेजर है, ये फेजर का सिंबल है, ओके, ये हमारा फेजर जो कुछ एंगल बनाता है, लेट सपोज मेरा ये एंगल बना ओमेगा टी, सो फेजर क्या करता है, इस सर्कल के अराउंड गोल गोल घूमता है, इस सर्कल के अराउंड गोल गोल घूमता है विद एंगल ओमेगा टी। सो फेजर की अगर डेफिनेशन कहें, फेजर की अगर डेफिनेशन कहें, सो फेजर की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे अभी लिखी हुई आ रही होगी, इट इज द वेक्टर Which rotates around its origin, जो अपने origin के around rotate करता है at constant speed omega t, at constant speed omega t, ठीक है, omega radian per second, t times per second ना, so omega radian per second की speed में move करता है in anti clockwise direction, direction कौन सी इसकी, anti clockwise direction, so वो होता है हमारा phasor, ठीक है, so length, अब ये हमारा phasor है, इस फेजर की कुछ लेंथ है, है ना, इस फेजर की कुछ लेंथ है, तो ये लेंथ होगी क्या, ये भी हमें पता होना चाहिए। सो ये लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं, उसकी बात करते हैं। सो v इज इक्वल्स टू v max sin ओमेगा t, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वोल्टेज की इक्वेशन है, ओके, सो v max जो है दैट इज योर लेंथ ऑफ फेजर, दैट इज योर लेंथ ऑफ फेजर। अगर इसी को मैं नॉर्मल ग्राफिकल फॉर्म में दिखाऊं, नॉर्मल फॉर्म में दिखाऊं, सो ये कुछ इस वे में बन रही है, ओके, लेट्स सपोज इस वे में बन रही है, सो इस समय जो वी मैक्स की लेंथ है, दिस इज योर वी मैक्स, यही तो होता है वी मैक्स, सो बस इसको हमने इस सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, क्यों किया, उसका रीजन ये कि बहुत सारे ऐसे सिग्नल बन जाते हैं, सो उसको हम स्मॉल वे में दिखा सके, सो उसको हम स्मॉल वे में दिखा सके, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। फॉर लार्ज नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स इट पॉसिबल नहीं कि हम इतनी बड़ी वेव फॉर्म आगे तक बना सकते, सो हमने क्या किया, उसको एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया और फेजर रिप्रेजेंट करते रहे, क्यों, क्योंकि अब देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये रखना है, सो इस पे लेंथ ये है वोल्टेज एंड ये वाली है, ओके, देन आगे ये वाली है, है ना, सो फेजर रिप्रेजेंटेशन से क्या हुआ कि इतनी बड़ी वेवफॉर्म को हमने छोटे साइज में कन्वर्ट कर दिया, है ना, इतनी बड़ी वेवफॉर्म को हमने एक छोटे साइज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब फेजर में आता है लीड एंड लैग, फेजर रिप्रेजेंटेशन में एक चीज आती है, लीड क्या है एंड लैग क्या है, ओके, सो लीड एंड लैग, देखो अगर कोई फेजर, लेट दिस बी वी वन एंड दिस बी वी टू, इसका कलर चेंज कर ले, लेट दिस बी वी वन एंड एक फेजर है मेरा वी टू, देन मैं कहूंगा वी टू इससे कुछ 30 डिग्री आगे चल रहा है, ये कुछ 30 डिग्री इधर से, वी टू ओवरऑल 60 डिग्री है, है ना। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसको क्या बोलूंगा कि वी टू leads V1 by 30 degree and V1 lags V2 by 30 degree, कहने का मतलब क्या है,
कि लीडिंग एंड लैगिंग पता कैसे करेंगे दो सिग्नल के बीच में, उसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो पता कैसे करेंगे उसकी ये बात है कि जितना हमारा फंक्शन आगे को होगा उतना वो लीड करेगा, जो आगे वाला होगा, जो पीछे को होगा वो हमेशा लैग करेगा। क्यों? क्योंकि फेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करता है, ठीक है। सो लीड कौन सा होगा? जो जितना आगे होगा एंड जो जितना पीछे होगा दैट विल लैग, वो लैग करेगा, ठीक है। अब फेजर की कुछ रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करना चाहता हूं कि फेजर की रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। सो उस रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूं, ओके। सो फेजर को जनरली हम तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म इज योर पोलर फॉर्म, ठीक है। पहली फॉर्म जो आपकी पोलर फॉर्म है, देन रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड लास्ट वन इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लास्ट वन आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? आर एंगल थीटा कुछ ऐसी होता है। फॉर एग्जाम्पल वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, कि साइन ओमेगा टी से कुछ फाई डिग्री आगे चल रहा है हमारा वी वन फंक्शन। सो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? वी एम एंगल फाई, ठीक है, वी एम एंगल फाई। सिमिलरली अगर मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को देखा ए प्लस जे बी, तो वी मेरा कैसे निकलेगा? दैट इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड फाइ कैसे निकलेगा? वी निकाल दिया मैंने, इधर डाल दिया, फाइ कैसे निकालूंगा? टेन इनवर्स बी बाय ए, टेन इनवर्स बी बाय ए। ये हमने पढ़ा पहले है ना, 11th-12th में ये सब पढ़ते आए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में v एंड phi कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड एंड एंगल कैसे निकालते हैं, वही चीज की है मैंने और कुछ नहीं किया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करता हूं, इसमें करना कुछ नहीं, इसमें वी एम ई की बार आई phi, ठीक है, वेयर phi इज योर एंगल एंड वी एम नॉर्मल, ठीक है। सो ये तीन रिप्रेजेंटेशन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। आई होप सबको समझ आया होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना कैसे है, क्या चीज कैसे करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन पर मैसेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं फेजर रिलेशनशिप ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। फेजर रिलेशनशिप ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की ये है क्या, है ना, फेजर रिलेशनशिप ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है क्या। देखो कोई भी रेजिस्टर अगर सीरीज में लगा है वोल्टेज के साथ, ठीक है, लेट दिस बी वोल्टेज V, जिसकी वैल्यू है Vm sin ओमेगा t। देखो कई के बुकों में इसको इस वे में लिखा गया है एंड किसी किसी बुक में इसकी कुछ वैल्यू ऐसे दी गई है Vm sin ओमेगा t प्लस फाइव, कोई चक्कर नहीं। हमने बेसिकली करंट एंड वोल्टेज का रिलेशनशिप इन फेजर डायग्राम देखना है जो मेरे को आगे काम आएगा, ठीक है, RL, RC एंड RLC में। सो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ओके। सो लेट सपोज दिस बी R, ठीक है, हमें पता है V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V बाय R। V की वैल्यू क्या है? कोई भी एक डाल दो, Vm sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय आर। सो वी एम डिवाइडेड बाय आर, इसको मैं स्मॉल आई ले लेता हूं, दैट विल बी कैपिटल आई एम, दैट इज करंट, मैक्सिमम करंट इनटू साइन ओमेगा टी। इतनी बात समझ आती है। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर, स्मॉल आई ले लेता हूं इसको भी, एंड वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाय आर। वी एम बाय आर इज योर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों बुकों वालों ने ऐसा दिया, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छी दिखेगी। लेट सपोज वी एम साइन ओमेगा टी,
ये हमारा बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमारा जो ग्राफ है सर्कल है इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन इज योर वी साइन ओमेगा टी, एंड इधर भी क्या है साइन ओमेगा टी, कुछ फाई ऐड तो नहीं हो रहा, कुछ फाई ऐड तो नहीं हो रहा, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा वी होगा उसी डायरेक्शन में हमारा करंट होगा जब हमारे सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होगा इन सीरीज, इन सीरीज। इतनी बात समझा गई। इस केस में ज्यादा अच्छे तरह इसलिए एक्सप्लेन हो रहा है क्योंकि इसने पहले ही v के साथ कुछ फाई ऐड कर दिया, मतलब साइन ओमेगा टी हमारा ये है, सो हमारा कुछ फाई ऐड हो गया एंड ये बन गया हमारा v। ये फेजर, ये वाला फेजर जो बन गया हमारा, ये बन गया v का फेजर। ओके, सो अब i का फेजर क्या होगा, i में भी कुछ फाई ऐड हो रहा है, सो i ने भी अपना कुछ फाई ऐड किया एंड उसने अपना फेजर दिखा दिया कि ये रहा i। सो i एंड v जब हमारा सिर्फ रेजिस्टेंस होगा सो एक ही डायरेक्शन में एक साथ चलते रहेंगे, एक साथ चलते रहेंगे। सिर्फ अभी इतना याद रखो क्योंकि आपके सिलेबस में R, L एंड C अलग अलग नहीं है, RL, RC एंड RLC का कॉम्बिनेशन है, जिसके लिए मेरे को ये बताना थोड़ा सा जरूरी था, जिसके लिए मेरे को ये बताना थोड़ा सा जरूरी लगा एंड इसलिए मैंने ये बताया है। ठीक है, सो बस इतनी सी बात, छोटी सी बात। एंड ऑल्सो इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू V बाय I, V बाय I इज योर रेजिस्टेंस, ऑब्वियस ही बात है। सो इम्पीडेंस इधर सिर्फ अकेला R है, ठीक है, नॉट L, नॉट एनीथिंग एल्स, सिर्फ R इधर इम्पीडेंस है। Z इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, क्या रिप्रेजेंट करता है इम्पीडेंस को, है ना। सो आई होप सबको इतनी सी बात, छोटी सी बात समझाई होगी, दो दो मिनट के लेक्चर है जिससे आप कुछ रिविजन कर सको, जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स याद कर सको। सो आई होप सबको बात समझाई होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे दैट इज फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योरली इंडक्टर सर्किट। सो इस सर्किट में सिर्फ सिर्फ इंडक्टर है। इंडक्टर का एक फॉर्मूला आपने सुना होगा जिसमें हमें वोल्टेज निकालने होते हैं, उसका फॉर्मूला था माइनस एल डी आई बाय डी टी, है ना। आई की वैल्यू लेट सपोज मैं मान के चलता हूं आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मेरी आई की वैल्यू है, देन पुट करो इसकी वैल्यू में, तो माइनस एल d by dt i max sin omega t plus phi, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। i max हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, माइनस एल आई मैक्स बाहर निकाल लिया, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, एंड साथ में क्या है ओमेगा, ओमेगा को भी हम बाहर निकालेंगे, ओमेगा को भी हम बाहर निकालेंगे, ओमेगा को भी बाहर निकाल दो। सो क्या आ गया हमारा माइनस ओमेगा एल आई मैक्स कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस माइनस के साइन के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस, सो वी की वैल्यू जो आई हमारी वो कुछ ये आई। सो अब इसको आगे देखिए, सो कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, सो वी इज इक्वल टू ओमेगा एल आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस या प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 90 डिग्री, माइनस सॉरी प्लस 90 डिग्री, ठीक है। सो ये होगी हमारी वी की वैल्यू। अब अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, सो ये ग्राफ हो गया हमारा, लेट सपोज मेरे पास आई ये है, ठीक है। सो वी क्या होगा, वी हमेशा आई मैक्स से 90 डिग्री आगे चलेगा, सो वी हमेशा आई मैक्स से 90 डिग्री आगे चलेगा, आगे चलेगा इन केस ऑफ इंडक्टर, जब हमारा इंडक्टर काम करेगा, ठीक है। सो इतनी सी बात समझाइए। सो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही, छोटी सी बात थी कि इस प्रेजेंटेशन में जो मेरे को यह बताना था वो ये बताना था कि करंट हमेशा वोल्टेज को लैग करेगा बाय 90 डिग्री, या वोल्टेज हमेशा करंट को लीड करेगी बाय 90 डिग्री जब हमारे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होगा, जब हमारे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होगा, ठीक है। सो आई होप सबको प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।
सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योरली कैपेसिटर सर्किट। मतलब अगर हमारा वोल्टेज के साथ कैपेसिटेंस सीरीज में लगा होगा तो करंट एंड वोल्टेज की रिलेशनशिप क्या होगी इन फेजर डायग्राम। वोल्टेज एंड करंट में क्या रिलेशनशिप होगी, क्या वो लीड करता है या लैग करता है, वोल्टेज लीड करती है, वोल्टेज लैग करती है, करंट लीड करता है, करंट लैग करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो लेट सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है जो मैंने सीरीज में लगाया है विद वोल्टेज जिसकी वैल्यू Vm sin ओमेगा t प्लस फाइव। सपोज की है वैल्यू ओरिजिनल ही है, ऐसी एग्जांपल के तौर पे लिए कि अगर मेरी वैल्यू Vm sin ओमेगा t प्लस फाइव हो जाए, Vm इज माय मैक्सिमम वोल्टेज एंड sin ओमेगा t फाइव कुछ एंगल बना रहा है sin उससे, ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ एंगल बना रहा है 5 डिग्री। ओके, सो अब मैं निकालूंगा करंट। करंट का फॉर्मूला IC dv / dt 11th क्लास में पढ़ा है, I = C dv / dt। V क्या है हमारे पास, Vm sin ओमेगा t प्लस फाइव। सो वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, इज इक्वल्स टू सी डी बाई डी टी। वी की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये वैल्यू है। सो आई की वैल्यू आ गई सी डी बाई डी टी वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो आंसर आ जाएगा हमारा सी वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5, CVM cos omega t plus 5। अब cos omega t plus 5 को मेरे को किसमें कन्वर्ट करना है, sin में, क्यों, क्योंकि मेरे को V I की वैल्यू चाहिए ना। अगर ये मेरा sin में, so मैं चाहता हूँ इसका cos वाला कंपोनेंट भी मेरा sin में कन्वर्ट हो जाए, है ना। So I is equal to C VM sin omega t plus 5 plus 90 degree plus 90 degree, क्यों, क्योंकि इसके साथ साइन को या कॉस में कन्वर्ट किया माइनस साइन आया, एंड ये माइनस साइन को भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड करके इसको 90 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये तो माइनस होता लेकिन अब प्लस हो गया। ठीक है, सो अगर इसकी फेजर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, फेजर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, लेट सपोज अगर मेरा वी कुछ इधर है, सो आई हमेशा मेरा 90 डिग्री अबव वी होगा, मतलब आई हमेशा लीड करेगा वोल्टेज को, आई हमेशा लीड करेगा मेरा वोल्टेज को, ठीक है, एंड वोल्टेज हमेशा लैग करेगी। सो ओवरऑल हमने तीनों केस में क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर में, उसकी बात करता हूं मैं, कौन कौन से केस पढ़े, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये तीन केस पड़े। देखो इसमें हमने देखा कि करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में थे, इंडक्टर में हमने देखा कि वोल्टेज लीड करती है करंट को बाय 90 डिग्री, एंड कैपेसिटर वाले केस में देखा कि करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। कहने का मतलब वोल्टेज एंड करंट एक फेज में, वोल्टेज हमेशा आगे होगी करंट से बाय 90 डिग्री, एंड करंट हमेशा आगे होगा बाय वोल्टेज से बाय 90 डिग्री इन केस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सो ये तीन चीजें हमने फेजर में देखी। जब हमारे इंडिविजुअल आर एंड एल एंड सी अगर इंडिविजुअली काम करते हैं हमारे सर्किट में, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड इंडक्टर, रेजिस्टर एंड सर्किट एंड आर एल सी, तीनों का भी कॉम्बिनेशन है। सो उनकी बात हम अगली प्रेजेंटेशन में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। सो इस बार जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे फेजर आर एल सर्किट की। फेजर आर एल सर्किट में होता क्या है उसकी बात करेंगे। क्या है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, मतलब रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर आपस में सीरीज में लगे, विद सीरीज में लगे किसके, वोल्टेज के। इस वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस वोल्टेज की वैल्यू है, दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस आर एंड ये है एल। ओके, हमें इतनी चीज पता है कि सीरीज में वोल्टेज अलग अलग आती है ना। सो इसकी वोल्टेज वी वन होगी, लेट वी आर होगी, एंड इसकी होगी वी एल। ओके, सो अगर हम देखें तो करंट की मैं डायरेक्शन
जो इधर से करंट फ्लो हो रहा है आई, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी वो देखते हैं, एंड सारी बात उधर से चलेगी। देखो करंट इस आई एंड वी आर की हमने देखी थी एक ही डायरेक्शन होती है ना। सो लेट सपोज वी आर मेरा इस डायरेक्शन में एंड करंट भी मेरा इस डायरेक्शन में है, करंट भी मेरा इस डायरेक्शन में, एंड वी एल की तरह करंट से हमेशा इंडक्टर कितना, इंडक्टर की वोल्टेज करंट से हमेशा 90 डिग्री आगे होती है, ये हमने पढ़ा था। सो ये हो गया मेरा वी एल। सो वी आर की तरह वी की तरह आएगा, वी इज माई दोनों का कॉमन है ना, दिस इज माई वी, दिस इज माई वी। सो ये वी निकलेगा कैसे, वी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज इक्वल टू रूट अंडर वी एल का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर आई एक्सएल स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर। ये हो गया आई एक्सएल का स्क्वायर आई आर का होल स्क्वायर है ना। सो रूट अंडर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड दोनों में से आई स्क्वायर जो था वो बाहर निकालने से रह गया आई, ठीक है। ये आ गया, दिस इज योर इंपीडेंस दैट इज योर जेड, ये हो गया हमारा जेड, ठीक है, ये हो गया हमारी इंपीडेंस। इधर से हमें I की वैल्यू पता लगती है कि I की वैल्यू क्या होगी, अगर मेरा V A है तो I की वैल्यू क्या होगी, जितना ये ऊपर गया कितना गया था ओमेगा टी, ओमेगा टी क्या था, सो I उतना नीचे होगा, I इतना नीचे होगा, सो I कुछ हमारा 5 डिग्री, लेट सपोज ये 5 एंगल ऊपर ही है, ठीक है। V की वैल्यू क्या, Vm sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी, ठीक है, लेट सपोज ये 5 डिग्री ऊपर गया, सो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल्स टू I is equals to Im sin omega t minus 5, क्यों, क्योंकि ये lag कर रहा है, नीचे को है ना, I नीचे को है V से, so I हमारा lag कर रहा है, so minus 5, ये होगी मेरी I की value, V की value हमें पता थी, I की हमने निकाल ली, I की हमने निकाल ली। अगर इसको हम graphical form में देखें, so graphical form में ये कैसे आएगा, let's suppose मेरा V ये है, okay, so मेरा I कैसे आएगा, आई मेरा क्या आएगा 5 डिग्री से पहले तो आगे मूव करेगा यहां से, देन अब बनना शुरू होगा। सो ये मेरा आई हो गया एंड ये मेरा वी हो गया, ब्लैक वाला मेरा वी हो गया एंड ब्लू वाला मेरा आई हो गया, ठीक है। आई होप सबको ये बात समझ आई होगी कि कैसे आर एल सर्किट का फेजर डायग्राम बनता है। सो आई होप सबको ये बात समझ आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे फेजर आर सी सर्किट, है ना, कि फेजर आर सी सर्किट की, ओके। सो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सीरीज में लगे इन वोल्टेज विद वोल्टेज, है ना, कि वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सीरीज में लग गया, ऑब्वियस सी बात है इधर भी हमारी वी आर एंड वी सी होगा, दोनों की वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हम ऐड करेंगे, दैट इज रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर आई आर स्क्वायर प्लस आई इंटू वी सी का क्या होता है, वी सी का क्या होता है एक्स आर सॉरी एक्स सी कैपेसिटिव कैपेसिटेंस, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं, होल स्क्वायर है ना, आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर, वी की वैल्यू आई आर एंड इसका होल स्क्वायर, वी सी की आई एक्स सी उसका होल स्क्वायर, एक्स सी पता है ना क्या होता है, वन बाय ओमेगा सी, ये एक्स सी की वैल्यू होती है, ओके। सो इधर से हम आई कॉमन निकाल रहे हैं, आई कॉमन निकाल लिया, रह क्या गया आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, एक्स सी की वैल्यू क्या है, वन बाय ओमेगा सी या वन बाय जे ओमेगा सी, तो वो स्क्वायर से जे की वैल्यू हट जाती है, इसलिए मैं उसको कोई ज्यादा मान्यता नहीं दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इंपीडेंस, ये हो गया हमारा इंपीडेंस। ग्राफिकल वे से हम पता करते हैं कि होता क्या है। सो ग्राफिकल वे में सॉरी एरो मार्क नहीं बनाओगे, वी आर इस डायरेक्शन में एंड वी सी
ऊपर होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा ऊपर? उसका रीजन ये है कि जिस डायरेक्शन में वीआर होता है उसी डायरेक्शन में हमारा करंट होता है, ठीक है। एंड करंट से वीसी हमेशा लैग करता है बाय 90 डिग्री। सो वीसी किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। सो ओवरऑल वी किधर होगा? दोनों का बीच, दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ वो लगा रहा हूं। ओके, सो इस वी की क्या वैल्यू है? वो हमने मैग्नीट्यूड वाइज निकाल दिया, लेकिन वी की वैल्यू क्या? वी एम साइन ओमेगा टी, है ना, वी एम साइन ओमेगा टी। सो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये कुछ 5 डिग्री से नीचे है ना, 5 डिग्री से हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे। सो आई की वैल्यू होगी, दैट इज योर आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 5। आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 5, सो ये होगा हमारा करंट की वैल्यू, होगी हमारी करंट की वैल्यू, ठीक है। सो इसका डायग्राम भी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा वो इस वे में कि इस बार हमारा करंट ऐसे मूव करेगा, ये हमारा करंट है, एंड जो वोल्टेज है वो कुछ 5 वैल्यू से पीछे चलती है, ठीक है। तो 5 वैल्यू से उसको मैं पीछे लेके यहां से मैं अपनी वोल्टेज चलानी शुरू कर रहा हूं, ठीक है। सो यहां से मैं अपनी वोल्टेज चलानी शुरू कर रहा हूं, या ये कह सकते हो, या इसको तुम 5 वैल्यू आगे कह लो, मतलब या तो तुम इसको कुछ ऐसे बना दो कि 5 वैल्यू पीछे से ये करंट चलना शुरू हो गया, ठीक है, एंड वोल्टेज हमारी अब जाके चल रही है, ठीक है। सो उससे ज्यादा अच्छा मेरे को ये वाला लगता है, सो ये पैटर्न रखा करो, ठीक है। सो आई होप सबको समझ आया होगा कि फेजर आरसी सर्किट किस वे में काम करता है। अगली प्रेजेंटेशन में हम जो बात करेंगे दैट इज फेजर आरएलसी सर्किट की बात करेंगे कि फेजर आरएलसी सर्किट किस वे में काम करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे वो हम बात कर रहे हैं फेजर आरएलसी सर्किट की। तो फेजर आरएलसी सर्किट का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस तीनों सीरीज में लगे हैं विद वोल्टेज, है ना। सो लगाए सीरीज में, सो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस तीनों सीरीज में लगे हैं विद वोल्टेज। इस वोल्टेज की क्या वैल्यू? वी एम साइन ओमेगा टी। This be R, L and C. इसकी वैल्यू वी आर, इसकी वी एल एंड इसकी वी सी, है ना। ग्राफिकल फॉर्म में देखें, ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं सो सारा समझा देगा। जब मेरे वी आर की ये वैल्यू है तो करंट की क्या वैल्यू होगी? इसी डायरेक्शन में। एंड करंट और इंडक्टर का क्या रिलेशनशिप है कि इंडक्टर की वोल्टेज हमेशा करंट से 90 डिग्री ऊपर चलती है, है ना, एंड कैपेसिटेंस की 90 डिग्री नीचे, ठीक है। सो ये कुछ फेजर हमारा जनरल सा फेजर बन गया। अब इसमें हमारी कंडीशन लगाएंगे कि पहली कंडीशन वो ये कि अगर मेरा इसका VL की वैल्यू ज्यादा हो VC से, वो कैसी ज्यादा होगी उसकी बात करते हैं। IXL is greater than IXC, I से I कट गया, so मतलब अगर XL is greater than XC है, then मतलब VL मेरा थोड़ा ऊपर को बनेगा, so VL ऊपर को बनेगा, VL एक एवरेज कि 10 इसकी वैल्यू, 6 इसकी है, so 10 minus 6, 4, so 4 plus 4 तक ये ऊपर तक पहुंचा, ठीक है, प्लस 4 तक ये ऊपर तक पहुंचा। सो एवरेज जो V की वैल्यू आ रही है वो इस समय वो I से थोड़ा 5 डिग्री ऊपर आ रही है। सो इस केस में जब हमारा XL कहां लिखूं, XL इज ग्रेटर देन XC है, सो उस केस में मेरा करंट जो होगा दैट इज I एम साइन ओमेगा टी माइनस 5 होगा, क्योंकि ये 5 डिग्री नीचे चल रहा है। अगर इसी का उल्टा केस ले लें, सारे साइन एक दूसरे का अपोजिट कर देते हैं, ये कर देते हैं, मतलब अगर XL less than XC हो तो मतलब ये 10 है एंड ये 14 है,
So 10 minus 14 is your minus 4. So इस बार हमारा VC बढ़ा रहा है ना? So VC हमारा इधर तक आ रहा है, ठीक है? So हमारा इस बार net voltage आएगी, that is your this one, and इस बार current हमारा lead कर रहा है with net voltage. So अगर मेरा XC बड़ा है XL से, so current की value क्या हो जाएगी? I am sin omega t plus phi. I am sin omega t plus phi. ठीक है, इसमें हम impedance की value निकालने भी देखने, impedance कैसे निकलते हैं? Magnitude of V निकालना होता है ना? So magnitude of V निकालते हैं, किधर निकालें? इधर निकाल देते हैं, ठीक है? So magnitude of V is your root under VR plus VN minus VC या VC minus VN. इस समय मैं लेके चल रहा हूँ कि VN is greater than VC. आप लोग एक केस वन ये लेके चल रहा हूँ मैं, एक केस आप लोगों के लिए वो ये कि VC is greater than VN के लिए आप लोग निकालोगे, ठीक है? उसमें क्या करोगे? VN की जगह VC कर दोगे, VC की जगह VN कर दोगे, ठीक है? So root under IR square, IR का whole square plus I XL minus IXC का whole square. I बाहर निकाल लें, root under R square plus XL minus XC का whole square. So ये जो पूरी value है, ये जो पूरी value है, ये इसका impedance है, phasor RLC का, phasor RLC का ये impedance है, ठीक है? I hope सबको ये समझाया होगा कि कैसे हमने इधर करंट की वैल्यू निकाली, करंट कैसे निकाला एंड इंपीडेंस कैसे निकाला, ठीक है? सो फेजर आरएलसी में सिर्फ इतना था कि फेजर डायग्राम बनेंगे कैसे, ठीक है? इसके बेस पे न्यूमेरिकल बुक में दे रखे है, बुक जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, सबसे पहली प्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ कि जेबी गुप्ता फॉलो कर रहा हूँ. सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन. अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन. सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे अपेरेंट पावर, ट्रू पावर, पावर फैक्टर क्या है ना? इसके साथ साथ हम क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे, एक्टिव कंपोनेंट एंड रिएक्टिव कंपोनेंट की हम बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं अपेरेंट पावर क्या है. अपेरेंट पावर क्या? आरएमएस वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू वी एंड आई का प्रोडक्ट, मतलब वी आई, ये होती है हमारी अपेरेंट पावर. ट्रू पावर क्या है? अपेरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर का प्रोडक्ट, मतलब अपेरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ट्रू पावर. वी आई इज योर अपेरेंट पावर एंड कॉस फाई पावर फैक्टर की वैल्यू होती है कॉस फाई, ठीक है? सो पावर फैक्टर की डेफिनेशन दे तो पावर फैक्टर इज अ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है? इसका एक अनदर और भी फॉर्मूले है, रेजिस्टर बाय इंपीडेंस एंड ट्रू पावर बाय एपी, वो जैसे ही निकल के आया, ट्रू पावर बाय एपी एंड रेजिस्टेंस बाय इंपीडेंस भी एक इसका फॉर्मूला जो हमें क्वेश्चंस में यूज करना पड़ सकता है, ठीक है? रिएक्टिव पावर क्या? रिएक्टिव पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, विद साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट क्या है? एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट क्या है? हाँ, सो एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट, लेट सपोज मेरे पास ये करंट है आई एंड ये कुछ एंगल बना रहा है फाई, इस समय वी ये रहा, ये स्मॉल आई एंड ये कैपिटल, ठीक है? ये स्मॉल एंड ये कैपिटल, ओके? सो इस आई का आई कॉस फाई बनेंगे, ये आई कॉस फाई इज माय एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है? एक्टिव कंपोनेंट क्या? करंट कंपोनेंट विच इज इन फेज विद करंट वोल्टेज, वो करंट का कंपोनेंट जो फेज में है करंट वोल्टेज के, वो है हमारा एक्टिव कंपोनेंट, और जो फेज में नहीं है दैट इज आई साइन फाई इज माय रिएक्टिव कंपोनेंट. सो रिएक्टिव कंपोनेंट क्या हो गया? आई साइन फाई, ये हो गया मेरा रिएक्टिव कंपोनेंट, एंड आई कॉस फाई इज माय एक्टिव कंपोनेंट. क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर इज माय क्वालिटी फैक्टर. क्वालिटी फैक्टर बेसिकली रेसिप्रोकल होता है पावर फैक्टर का, सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ पावर फैक्टर, दैट इज इक्वल टू 1 बाय cos phi एंड दैट इज इक्वल टू z बाय r,
ठीक है, इनमें से कोई भी फॉर्मूला कभी भी क्वेश्चन पे लगाना पड़ सकता है। सिर्फ फॉर्मूले के बेस के लिए ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी कि किसी क्वेश्चन में अगर पूछ ले पैरेंट पावर निकालनी है सो वी एंड आई का मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर पूछ ले ट्रू पावर निकालनी है तो वी एंड आई कॉस फाई का मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर किसी क्वेश्चन में पूछ ले रिएक्टिव पावर निकालनी है वी आई साइन फाई करना है, एंड परफेक्ट इज योर कॉस फाई, कॉस ऑफ फाई एंगल बिटवीन देम। आई होप सबको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, और फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, ये एक क्विक रिवीजन टूर है जिसमें हम जल्दी जल्दी सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं, दो दो तीन तीन मिनट की वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, किसी को बड़ी वीडियो चाहिए तो ऊपर लिंक आ रहा है उसमें जा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।